आज हम लेकर आए हैं बहुत ही हेल्दी और टेस्टी कॉर्न हांडवो, मक्के से बने हुए हांडवो। ये बहुत ही हेल्दी और बहुत डिलीशियस होते हैं। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। सबसे पहले एक मिक्सर जार लेंगे और इसमें हम कॉर्न ऐड करेंगे। हमने नॉर्मल वाले कॉर्न को वॉश करके इसमें ऐड कर दिया। आप स्वीट कॉर्न भी ले सकते हैं इसके प्लेस पे। अब इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे, आप इसे टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें लहसुन की कलियां ऐड करेंगे, आप अदरक भी ले सकते हो अगर आपको पसंद है तो। इसी के साथ ही इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर देंगे। वाटर डालने से ये बहुत ही जल्दी से बारीक पीस जाता है। इसे बिल्कुल बारीक पीस लें। अब इसे साइड में रख दें। एक बड़े बोल में हम लगभग 1 कप बेसन और 1 कप सूजी लेंगे। अमाउंट आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हो। और लगभग 1 कप दही लेंगे। दही ऐड करने से नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनता है। अब इसमें कॉर्न का मिक्सचर ऐड करेंगे जो हमने बनाया था। और ये जो मिक्सचर रह गया है इसमें हम हल्का सा वाटर मिक्स करके इसमें ऐड कर देंगे बाद में, या फिर अभी ही ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम वाटर ऐड करेंगे जो कॉर्न का वाटर है। वाटर ऐड करने के बाद एक बार विस्कर से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अगर ये थोड़ा ड्राई लग रहा है तब आप इसमें और वाटर भी ऐड कर लें। लगभग 1 कप वाटर ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करते हुए वाटर ऐड करने से इसमें लम्ब्स नहीं पड़ते हैं। अच्छी तरह से विस्कर से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो स्पून या फिर फॉक के हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। विस्कर से ये बहुत ही इजीली मिक्स हो जाता है और इसमें कोई भी लम्ब्स नहीं पड़ते हैं। कि देखिए, लगातार हम इसे 30 मिनट तक मिक्स करेंगे, जब तक बेसन, सूजी और कॉर्न बिल्कुल इक्वली ना मिक्स हो जाएं। कि देखिए, अब हमने इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया। 10 से 15 मिनट ऐसे ही रख दें ताकि ये सेट हो जाए। इसके बाद अब इसमें बारीक कटी हुई प्याज ऐड करेंगे और इसमें बारीक कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर की अमाउंट आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं, या आप इसमें कोई भी वेजिटेबल्स जो आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। बारीक कटी हुई धनिया की पत्तियां ऐड करेंगे। इसी के साथ ही इसमें लगभग 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और हम लगभग 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। इसी के साथ ही अब इसमें काली मिर्च पाउडर लगभग 1/2 टीस्पून और गर्म मसाला ऐड करेंगे। गर्म मसाला की अमाउंट आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। इसके बाद अब इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करें, बहुत कम सॉल्ट भी ना ऐड करें क्योंकि मिक्सचर थोड़ा सा ज़्यादा है। इसके बाद अब इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे लगभग 1/2 टीस्पून। इससे नाश्ते का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब एक स्पून की हेल्प से इसको बिल्कुल बढ़िया से मिक्स कर लेंगे, ये देखिए, ताकि पूरे मसाले पूरे बेसन सूजी में मिक्स हो जाएं। अब ये बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो इसको तुरंत भी बना सकते हैं या आप इसे 4 से 5 मिनट के लिए रख सकते हैं। हम इसको तुरंत ही बनाएंगे। इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। आप इनो फ्रूट सॉल्ट भी ले सकते हो इसके प्लेस पे। और लगभग 1 टीस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे इसके ऊपर, जिससे बेकिंग सोडा जल्दी से एक्टिव हो जाएगा। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लगातार मिक्स करते रहने से इसमें बबल्स क्रिएट हो जाते हैं। और हमने एक एल्यूमिनियम की कढ़ाई ली है। इस नाश्ते को हम एल्यूमिनियम की कढ़ाई में बनाएंगे। आप नॉनस्टिक का फ्राइंग पैन भी ले सकते हैं। ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल को ऐसे फैला लेंगे। और ये हमने एक प्लेट में सफ़ेद तिल लिया है, इसको हम साइड में रख देंगे। जब तिल हल्का गर्म हो जाए तब इसमें सफ़ेद तिल ऐड करेंगे। हम इस नाश्ते में बहुत ज़्यादा तेल भी नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ 1 टीस्पून। आप तेल अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हो। हम इसे कम तेल में बना रहे हैं ताकि ये थोड़ा सा हेल्दी हो जाए। जब तिल हल्का फ्राई होना स्टार्ट हो जाए तब इसमें हम करी लीव्स ऐड करेंगे। आप तिल और करी लीव्स के साथ रायदाना भी ऐड कर सकते हो। जब ये हल्का फ्राई होने लगे तब इसमें हम एक कलछुल की हेल्प से बैटर ऐड करेंगे। हम लगभग 2 कलछुल बैटर ऐड कर रहे हैं। आप इसे अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और हल्का सा ऐसे प्रेस कर दें, बस इसे बहुत ज़्यादा ना दबाएं। ये देखिए, अब इसे सेट होने दें। हम इसे बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे या फिर लो ही रखेंगे, हाई फ्लेम पे कुक नहीं करेंगे। इसे ढक देंगे और 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा ड्राई होने तक नहीं कुक करना है। ऊपर से तिल स्प्रेड करेंगे, ढक्कन खोलेंगे और ऑयल स्प्रेड करेंगे। ऑयल स्प्रेड करने के बाद अभी स्पैचुला के हेल्प से हमें इसे पलटना है। ज़्यादा सूखने से ये नीचे से जल सकता है, इसलिए हल्का गीला ही रहे बहुत ही सावधानी से इसको पलटें। और हमने कढ़ाई थोड़ी सी बड़ी ली है इसलिए इसके छींटे नहीं पड़ेंगे। आप भी इसे बड़ी कढ़ाई में ही बनाएं। अब इसे अच्छी तरह से ऐसे पलट लेंगे। कि देखिए कितना इजीली पलटा गया। बड़े कढ़ाई में जो मिक्सचर है वो उसी में रह जाता है। अब इस साइड भी ढक के लो टू मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे। थोड़ी देर के बाद हमें ये बिल्कुल फ्राई लगेगा, नीचे और ऊपर से बिल्कुल सेम कलर का लगेगा। ये देखिए, हल्का हल्का प्रेस करेंगे, थोड़ी देर तक कुक करेंगे इस साइड से।
जब ये बिल्कुल परफेक्ट गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए उतना ही हमें इसे कुक करना है। ये देखिए हमने इसको अच्छी तरह से कुक कर लिया। आप इसे हाई फ्लेम पे कुक ना करें, नहीं तो ये जल सकता है और नाश्ता देखने में अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए कॉर्न हांडवो तैयार है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसको एक जाली में रख दें ताकि ये ठंडा हो जाए, और सेम कढ़ाई में और ऑयल ऐड करेंगे। फिर तिल और करी लीव्स ऐड कर देंगे। सफ़ेद तिल और करी लीव्स ऐड करने से नाश्ता बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही हेल्दी हो जाता है। ये देखिए ऐसे ऐड करने के बाद अब कलछुल के हाथ से बैटर ऐड करेंगे। एक से दो कलछुल में ये बहुत ही परफेक्टली बन जाता है। अगर आप इसे फ्राइंग पैन में ऐड कर रहे हैं तब आप और बैटर भी ऐड कर सकती हो। ऐसे ही फैला लेंगे, जैसे हमने पहले बनाया है उसी तरह से बना लेंगे। हल्का सा प्रेस करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेस भी नहीं करेंगे, और जब ये हल्का कुक हो जाए तब पलट के इसको सेक लेंगे। ये देखिए दिखने में कितना बढ़िया लग रहा है। हमने इसको टोमेटो केचप के साथ सर्व किया है। आप इसे किसी भी चटनी या सॉसेस के साथ सर्व कर सकते हैं। देखने में जितना बढ़िया, खाने में उतना ही टेस्टी और हेल्दी है। आप इसे बहुत ही कम ऑयल में बना सकते हैं, और जैसे आपको मसाले ऐड करने हो आप इसे अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। अब हम आपको इसको कट करके दिखाते हैं कि ये कैसा बना है। बिल्कुल स्पंजी और टेस्टी, ऐसे ही कट कर लेंगे। ये देखिए कितना स्पंजी और कितना बढ़िया लग रहा है। कम तेल में बना हुआ कॉर्न हांडवो बनकर तैयार है। मक्के से बना हुआ हांडवो बहुत ही टेस्टी होता है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करें, और हमारे अगले वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।